जन्माष्टमी की धूम प्रदेश भर में देखने को मिल रही है। सीधा हम गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए मंदिर चलते हैं। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु, जाहिर तौर पर पीछे पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं, सुरक्षा भी है और भक्तों का आना जाना भी लगा हुआ है। जय कन्हैया लाल की। देखिए, कल जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के अवसर पर जयपुर के आराध्य राधा गोविंद देव के मंदिर में लाखों भक्त यहां पर जुटेंगे। उसके लिए सुरक्षा के तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहां पर किए गए हैं। आज जो है उसको सुरक्षा की कितनी चाक चौबंद व्यवस्था है उसको देखने के लिए, उसको जायजा लेने के लिए डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी, उसके अलावा एडिशनल डीसीपी विजय सिंह भाटी, एसीपी डॉक्टर हेमंत जाखड़ भी यहाँ पर मौजूद है। तो तमाम जो जापता है, करीब जो 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी है जिनको यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा, उनको देखने के लिए आज यहाँ पर आए हुए। मैं दिखा रहा हूँ गोविंद देव जी का मंदिर है, जहाँ पर एंट्री गेट पर आप देख सकते हैं, यहीं पर पुलिस अधिकारी इस वक्त जो है मुआयना कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा जी, उनसे बात करेंगे। मैडम, क्या खास इंतजाम इस बार किए हैं आप लोगों ने? देखिए, यहाँ जो पुलिस का जाप्ता लगा है, अराउंड 1000 पुलिसकर्मी यहाँ लगे हैं ड्यूटी पे और वो 3 शिफ्टों में ड्यूटी करेंगे। पहली शिफ्ट आज रात 12 बजे से शुरू होगी और जो नंदोत्सव में भी जाप्ता अलग से लगेगा और अगले दिन के जुलूस में भी जाप्ता लगाया जाएगा। इस बार कुछ कैमरों की अलग से व्यवस्था की कि फेस डिटेक्ट करेंगे, कैमरे अपराधों की रिकॉर्डिंग उसमें होगी, क्या रहने वाला है इस बार जो दया प्रयोग होगा? देखिए, इस तरह के जो भी बड़े आयोजन होते हैं उसमें काफी कंप्लेंट्स, चेन कटिंग और इस तरह की जो गैंग्स ऑपरेट करती हैं, तो जो भी पूर्व में चलानशुदा हमारे पास डेटा था उनको हमने इस सॉफ्टवेयर में अपलोड किया है और फेस रिकॉग्निशन ये जो सॉफ्टवेयर है तो इसमें अराउंड 6 कैमरे जगह जगह लगे हैं एंट्री और एग्जिट पे, जिसमें अगर इस तरह की कोई भी जो हमारे डेटा में ऑलरेडी सेव्ड है वो लोग यहाँ अगर इस आयोजन में आते हैं। विष्णु, डीसीपी साहब से मेरा एक सवाल पूछेगा, आम लोग जो भक्तगण दर्शन करने के लिए कल आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था है? थोड़ा जानकारी न्यूज 18 राजस्थान के जरिए पहुंच जाए उन तक, ताकि ना पुलिस को ज्यादा परेशानी हो और वो भी आराम से दर्शन करने कर सके। व्यवस्था क्या है और दूसरी, ट्रैफिक को क्या डाइवर्ट किया गया? अगर कोई वाहन लेकर आता है तो पार्क कैसे करे, इसको जरा समझिए जी। मैडम, लाखों लोग कल आने वाले भक्त यहाँ पे आएंगे, क्या व्यवस्था यहाँ पे की गई है? उसके अलावा ट्रैफिक को लेकर क्या व्यवस्था इस बार यहाँ पर की, क्या ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा? जो कितनी रो यहाँ पर आप लोगों ने बनाई है, क्या पूरी व्यवस्था है तो विस्तार से बताइए। देखिए, जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के जो दर्शनार्थी है, जूते वाले, बिना जूते वाले और भी अलग जो कैटेगरीज हैं उनके लिए अलग अलग पासेस दिए गए हैं मंदिर प्रशासन द्वारा, और उसी तरह से हमने अपने जाप्ते को भी ब्रीफ किया है। उनके प्रवेश द्वार अलग हैं, निकास द्वार अलग हैं, अलग अलग निकास द्वार पे अलग जाप्ते को ब्रीफ किया जा रहा है। ट्रैफिक भी कई जगहों पे वन वे किया गया है। देखिए, ट्रैफिक को है वन वे किया हुआ है। एक बार एडिशनल डीसीपी ब्रजेंद्र भाटी जी हैं, इस बार आपके पास पहले का भी अनुभव है, कितने कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं सर यहाँ पर? देखिए, पूरी संख्या तो मैं अभी बता नहीं सकता हूँ कितने कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन ये तय है कि सारा संपूर्ण मंदिर परिसर और उसका जो बाहरी क्षेत्र है वो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसकी रिकॉर्डिंग पुलिस कंट्रोल रूम में है और बाकायदा अधिकारी उसके लिए डेपुट किए गए हैं जो रिकॉर्डिंग देख के वायरलेस सेट पर निर्देश करेंगे। हेमंत जी, क्या ड्रोन से भी निगरानी इस बार होने वाली है यहाँ पर? ड्रोन से निगरानी होगी? बिल्कुल बिल्कुल, ड्रोन से भी निगरानी होगी और जैसे आपको भी मैम ने बताया ही था कि इस बार सर्विलेंस रखेंगे, प्रत्येक आदमी जो भी आएगा उसका पूरा हमारे पास पहले से डाटा है, उसमें देखेंगे कौन कोई क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोग थे मंदिर में नहीं आ रहे हैं, बाकी ड्रोन से रखेंगे। तो देखिए रविंद्र, इस बार ड्रोन से है यहाँ पर निगरानी होने वाली है और मैं आपको दिखाऊंगा अंदर का एक बार राधा गोविंद देव के मंदिर का। देखिए, सजावट जो है पूरी तरीके से हो चुकी है, बधाई हो गई, यहाँ पर जो है बैनर लगाए गए हैं। जब भी आज चुकी जन्माष्टमी के एक दिन पहले दर्शन जो भक्तगण है उनका आना जाने का सिलसिला है जो लगा हुआ है, चूंकि कई भक्त जो दूर दूर के रहने वाले हैं वो राधा गोविंद के मंदिर में आज ही दर्शन करके आ रहे हैं और पूरा जो माहौल है वो राधा गोविंद देव जी के मंदिर में कृष्णमय हो चुका है, चूंकि भगवान का कृष्ण जन्मेंगे, 21 तोपों की सलाह भी उनको दी जाएगी। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर ये पूरे तरीके से जो मंदिर का जो माहौल है उसको सजावट जो है वो पूरी तरीके से कर दी गई है। बिल्कुल विष्णु, मैं अभी फिलहाल आपका शुक्रिया करना चाहूंगा। न्यूज 18 राजस्थान ने भी अपने दर्शकों के लिए भरपूर इंतजाम किया है, घर बैठे भी आप हमारी कवरेज के जरिए अलग अलग जगह बांके बिहारी के दर्शन कर सकते